ये लीजिए वकील साहब, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा किए आपके लिए। आपने अलियान को ना रिहा नहीं होने देना बस। आप बेफिक्र रहे, थाने से वो बाहर आएगा लेकिन आजाद होने के लिए नहीं, जेल जाने के लिए। शुक्रिया। मुझे और भाभी को यकीन दिलाया है भाई ने कि जिस तरह एहसन को सजा दिलवाकर उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया है, बिल्कुल उसी तरह आली भाई को भी लॉकअप से निकलवाकर अपना दूसरा फर्ज पूरा करेंगे। ये बच्चों का खेल नहीं है। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? क्योंकि अगर वो रिहा हो गया ना तो बाहर आते साथ ही ना तुम्हारी बहन की जिंदगी अजाब कर देगा वो आदमी। क्या अपनी बहन को खुश नहीं देखना चाहती? हंसी खुशी जिंदगी वो सिर्फ और सिर्फ आली भाई के साथ गुजार सकती है। एक दफा वो रिश्ता खत्म हो जाएगा ना और वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी तो बहुत खुश रहेगी, मैं जानती हूं। ये क्या कर रहे हैं आप? नाश्ता बना रहा हूँ। कल तो गुजारा कर लिया था लेकिन आज सोचा कि खुद नाश्ता बना के दूंगा। तो आपसे नहीं होगा, मैं कर रही हूँ। अरे नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है। और वैसे भी पता है, जब अम्मी या निशा बीमार होती थी ना तो तब भी उनके लिए मैं ही नाश्ता बनाता था। तुम्हारा तबीयत ठीक है? मैं बनाती हूँ। बैठो ना। सीरियसली आप कर लेंगे? एक और अंडा रख, बीमारी में ना अंडा खाना चाहिए। और चाय? हाँ, चाय बस बनने वाली। जी आसिम भाई, आसिम भाई हम अभी अभी कोर्ट से बाहर आए हैं। जमानत के ऑर्डर्स आ गए? जी जी हो गए, बस हम पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन क्यों? थोड़ा सा प्रोसेस बाकी था, मेरा ख्याल है कोई घंटा भर लग जाएगा। सही, आली ठीक है? ठीक तो है पर मुझसे थोड़ा सा नाराज है। Thank you.
जैसा मैंने सोचा था ना, मेरी बहू बिल्कुल वैसी है। और जैसा मैंने आपके बारे में सोचा था, आप उससे भी ज्यादा अच्छी। वाह, जो बातें मैं सास और बहू के दरमियान में सुन रहा हूँ, शायद ही कभी किसी ने सुनी होंगी। फिर ऐसा करो, तुम ये बातें सुनने की ना आदत डालो। क्यों बे? बिल्कुल ठीक कह रही है। चाय ठंडी हो। सॉरी। संभल बेटा, तुम इस घर की शहजादी हो। मैं, आली, ये पूरा घर सिर्फ तुम्हारा है। इसमें जो भी चेंजिंग्स करानी हो तुम शहनाज से कह के करा लो, और अब इसका निजाम तुम ही चलाओगी। मैं भी शहनाज से कह दूंगी कि मेरे पास मत आए कुछ भी पूछने के लिए, जो पूछना हो भाभी से पूछे। अम्मी, आपके होते हुए इस घर का निजाम किसी और के हाथ में कैसे दे सकते हैं? आप मलका हैं इस घर की। बेटा, जब बेटे की दुल्हन घर आ जाती है ना, तो मलका सिर्फ बैठकर आराम करती है और शहजादी घर का निजाम संभालती है।